तो सबका यहां पर फर्स्ट एग्जाम होगा मोस्टली फर्स्ट या फिर सेकेंड सी एम वन या तो किसी का फर्स्ट एग्जाम होता है या फिर सेकेंड एग्जाम होता है ठीक है तो देखो ऐसा अब जैसे इट्स बीन आई आई स्टार्टेड माई कॉलेज इन 2014 एंड नाउ इट्स 2022 ओके सो आई स्टार्टेड डूइंग एक्चुअल साइंस इन द इ ओके okay. एंड uh, सब लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे एंड 2015 से अभी तक क्लोज टू एट ईयर्स हो गया आई एम डन विथ थर्टीन आउट ऑफ फिफ्टीन एग्जाम्स एंड आई हैव गिवन माई फोर्टीन एग्जाम फॉर द फोर्थ टाइम ठीक है एंड एक और बचेगा इसके बाद में सो so, अब जैसे काउंसलिंग वगैरह तो हो गया पैसा आ गया मेरे पास ठीक है अब रियलिटी इज कि अगर आप लोग को ये कोर्स एकदम डिलीजेंटली करना है ठीक है तो द फर्स्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज पेशेंस ठीक है यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स क्लास ट्वेल्व तक का जो बैकग्राउंड होता है दैट इज वेरी डिफरेंट कि तुमने एक सेट ऑफ चीज़ पढ़ा है और उसको तुमने पूरा रट लिया है और वही एग्जाम में आता है तो यहां पर वो चीज़ बिल्कुल काम नहीं करता है जो प्रोफेशनल एग्जाम होता है उसका पैटर्न इज टोटली डिफरेंट ठीक है यहां पर आप समझो अगर आप 700 800 रकम के सम्स करते हो कोई भी एक पेपर में तो जो एट हंड्रेड एंड वन एच सम होगा वो आपके एग्जाम में आएगा जो आपने नहीं किया होगा प्रोफेशनल एग्जाम्स का मतलब ये होता है ठीक है एंड यू नीड टू टाइम द एग्जाम लाइक फॉर एग्जाम्पल मेनी ऑफ यू ऑल हेयर आर गिविंग द एग्जाम इन डिसम्बर ओके सो द बैच विच वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ विल कंप्लीट दिस बैच बाय ऑगस्ट सेप्टेंबर एंड ऑक्टूबर सो अवर फर्स्ट डेडलाइन इज ऑक्टोबर प्लस माइनस टेन डेज मैक्सिमम वो कभी प्लस होता नहीं जनरली हम लोग माइनस में खत्म करते हैं उसको बट इसके लिए आपका पूरा सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट डेज वी नीड कि हाँ भाई आप लोग क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहे हो आज जैसे क्या होगा कभी कभी हो सकता है कि आपको कोई इंपॉर्टेंट काम हो एंड हमारा क्लास का टाइम आपके साथ क्लैश करेगा पॉसिबल है हफ्ता में एक दिन ऐसा हो सकता है ठीक है किसी को कोई कॉलेज होगा या फिर तो अगर आप लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे हो मेक श्योर sure कि आप उसी दिन उसको घर पे पहले कर ले रहे हो इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू अटेंड ठीक है तो क्या होगा आपका बैकलॉग नहीं क्रिएट होगा दैट इज वाई अवर टीम इज वर्किंग अभी जो मैं ये क्लास लूंगा ये आपका दो घंटे तीन घंटे में आपके अपलोड हो जाता है ड्राइव पे दिस इज द बेस्ट थिंग कि आपको अगर नेक्स्ट क्लास में आना है तो बिल्कुल भी लैग नहीं रहता पहला बात ये दूसरा बात है आपको मेरे साथ चलना है ना मेरे आगे चलना है ना मेरे पीछे चलना है मैंने बहुत लोग को बोला है कि आप लोग सब बेसिक्स करके रखो बेसिक्स करना इज वेरी गुड एंड स्टिल वर्क ऑन योर बेसिक्स सीएम वन का बेसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है मैं आपको सी एस वन के भी इनिशियल फोर टू फाइव लेक्चर्स दूंगा बिकॉज सीएम वन का जो सेकेंड पोर्शन होगा लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर फिफ्टीन उसमें थोड़ा बहुत बेसिक स्टैट्स लगता है तो वो मैं आप लोग को दे दूंगा इन एडवांस ताकि आप लोग उसको भी कवर कर लो अब जैसे एक्सेल है एक्सेल इज टोटली न्यू फॉर यू ऑल सो दैट इज वाई वी हैव गिवेन यू ऑल रफली टेन लेक्चर्स फॉर बेसिक एक्सेल ताकि आपको समझ में आए कि एक्सेल क्या होता है उसमें किस तरीके से काम होता है नहीं तो फिर आप लोग चैप्टरवाइज काम नहीं कर पाओगे उसमें ठीक है तो बेसिक एक्सेल पे आपको पूरा भी फोकस रखना है एंड अगर मैं बात करूं पूरे कोर्स की तो आपका टाइमलाइन कुछ इस तरीके से रहना चाहिए एकदम बेसिक इन्फो बाय द टाइम यू ग्रेजुएट यू शुड हैव रफली एट टू नाइन पेपर्स इन योर हैंड

दे ऑल मैंने बारह पंद्रह लोग थे वहां पर एंड दे ऑल वेर फेसिंग द सेम इश्यू टाइम क्रंच है मॉर्निंग नाइन थर्टी उनका ऑफिस स्टार्ट होता है रात के दस बजे नौ बजे दे कम बैक होम सो यस हर्ष वी विल बी टोटली डिस्कस हाउ टू डू दैट एज वेल ओके थ्री इर्स में सेवन पेपर्स एट पेपर्स ओके सो मेन थिंग इज पेशेंस एंड आपको अगर आप ये कोर्स में आज ये क्लास में एंटर कर रहे हो ठीक है आपको ये चीज समझ लेना चाहिए कि भाई आने वाले छह साल का एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है दिस नॉट अ शॉर्ट टर्म गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला थिंग कि तीन महीना है छोड़ दिया वैसा वैसा नहीं चलता यहाँ पर ठीक है ये आप अपना करियर है सॉलिड करियर बना रहे हो ठीक है एंड अभी इतना ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज खुल रहे है इस कोर्स में ट्रस्ट मी इतना भरोसा रखना मेरे पे अगर आगे जाके एक साल बाद अगर कोर्स का साइक्लिकलिटी आता है और कोर्स का डिमांड कम हो जाता है मैं आप लोगों को सामने से बोल दूंगा कि उसमें ऐसा कुछ मेरी गलती नहीं है फिर आपकी गलती नहीं है बट आपको एक अच्छा जगह पे देखना तीन साल बाद दैट इज वॉट वी एम फॉर तो आज के दिन पे इतना ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है इतना जॉब अपॉर्चुनिटीज है इस कोर्स में और आगे आगे और ये बढ़े गई ठीक so, है सो सीएम वन जो एग्जाम है इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एग्जाम सीएम वन का जो एग्जाम है वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है आप इसको एज अ फर्स्ट या फिर सेकेंड एग्जाम करते हो बट जब आप जॉब में जाते हो ना ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड फ्रॉम दिस पेपर सो so, आप इसको जितना अच्छा से पढ़ो उतना कम है ठीक है एंड वॉट वी हैव सीन इज आप पहला पेपर में बहुत मेहनत करते हो आपका 85 प्लस आता है तो यू सेट दैट एज अ बार कि मेरा पहला पेपर में 85 है मेरे को इससे नीचे नहीं जाना है 80 से नीचे तो नहीं जाना है आप दूसरे बार दोबारा उतना ही मेहनत करते हो एंड वंस यू हाफ हार्टेडली आप करते हो 50 परसेंट एफर्ट करते हो एंड यू लैंड अप इन सिक्सटीज और सेवेंटीज विच इज वेरी प्रोबेबल ओके तो आपका फिर वैसा ही रूटीन बन जाता है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट बार की भाई पहला पेपर में सिक्सटी सेवन आया है दूसरा को मैं इसमें नाइनटीज में या फिर एटीज में कन्वर्ट करू इट्स नॉट पॉसिबल होता है आपको लेकिन आपका वो बार बन जाएगा तो पहला पेपर से ही ध्यान में रखिए डे वन से ही ध्यान में रखिए कि पेपर है जो टाइम कमिटमेंट चाहिए वो मेरे को देना ही है आपको पूरा दिन नहीं पढ़ना है आपको रोज पढ़ना है इरेगुलरिटी मत रखिएगा ना क्लास में ना पढ़ाई में जैसे अब जैसे मान लो कि तुम लोग तीन दिन बहुत जोर से पढ़ लिया जोर से पढ़ने का मतलब है कि रात

ठीक है आप ड्राइव पे जाओगे वहां पर आपको समरी बुक मिलेगा उसको आप अपने पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लो अपने फोन पे आप आ रहे हो जा रहे हो आप ट्रैवल कर रहे हो आप उसका दो दो तीन तीन चार चार पेज पढ़ते रहिए मेन चीज चीज क्या होता है प्रोफेशनल एग्जाम्स में आप आगे आगे पढ़ते जाते हो और आप पीछे पीछे भूलते जाते हो वन प्रो टिप फॉर यू ऑल इज आपका विजन से पहले रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट आप अगर मान लो चैप्टर नंबर सेवन में जा रहे हो और अगर आपको फाइव सिक्स याद नहीं है तो सेवन में मत जाओ पहले फाइव सिक्स को अच्छे से रिवाइज करो एंड देन मूव ऑन टू चैप्टर नंबर सेवन ठीक है एंड एक बात ये प्रोफेशनल एग्जाम है कभी भी ये मत सोचना कि आपने ट्रेनिंग लिया है तो आपका हंड्रेड मार्क्स का जो पढ़ाए उसे कब no, कभी नहीं होता ऐसा एट्टी मार्क्स जनरल केसेस में मार्क्स जो हम पढ़ाते हैं उससे आता है ट्वेंटी मार्क्स हम कितना भी पढ़ा ले वो नया का नया आएगा ही आएगा एंड दैट इज वेयर योर थिंग स्टार्ट सो कभी भी ये मेंटेलिटी मत रखना कि तुम लोग कोई सम बना रहे हो ठीक है कोई सम बनाया तो ऐसा मत करना कि तुरंत तुरंत सोल्यूशन देखा एंड दैट इज वाई इन आर कंपाइलर वी फुल तुम पहले उसको ट्राई करो तीन चार बार गलत हो तब तुमको समझ में आएगा कि सही किस तरीके से करना है आप डाउट्स क्लास में डाउट्स पूछो बट सोल्यूशन पूरा मत देखो उससे कुछ नहीं होता है आप देख देख के तीन से चार बार सोल्यूशन बनाओगे और आप बिना देखे दो बार बनाओगे बात बराबर है ठीक है और बहुत ज्यादा रश मत करना नया सब्जेक्ट है बहुत प्यार होता है तो हम लोग फटाफट फटाफट पढ़ने का ट्राई करते हैं बट वैसा मत करना गो वेरी स्लो एंड कंसिस्टेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू टाइम द पेपर से मेरा ये मतलब है अगर कोई मान लो डिसंबर में एग्जाम दे रहा है ठीक है फॉर let's सपोज अगस्त, सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर चार महीने ठीक है तो चार महीने में आपको 200 घंटे का कंटेंट कवर करना मतलब हर महीना आपको रफली 60 घंटे 70 घंटे तो आपका ढाई से तीन आवर का तो क्लास टाइम आ रहा है और दो घंटा और तो पांच घंटे का चीज है मतलब टोटल में पांच से छह घंटा आपको देना है पूरा दिन किताब लेके नहीं बैठना है कि भाई किताब लेके बैठे हैं और कुछ पढ़ नहीं रहे हैं। तीन घंटा इफेक्टिव ट्राई टू बी इफेक्टिव तभी क्या है तुम तुम लोग लोग कॉलेज में जाओगे तुम लोग अच्छे अच्छे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर पाओगे देखोगे फिर भी तुम लोग के बस में टाइम बच रहा है ठीक है आज आगे जाके तुम लोग हो सकता है दो पेपर दो समवन वाज सिंह कि, कि किस तरीके से पॉसिबल है तीन साल में आठ पेपर तो कोई बड़ा चीज नहीं है ठीक है एक टर्म में दो पेपर देना इज वेरी नॉर्मल आज के दिन पे तो पहले तुम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करो एंड बिल्ड योर बेस प्रॉपरली सीएम वन सीएम टू सी एस वन सीएसटू यह चार पेपर क्लियर हो गया ना मतलब ये समझ लेना कि तुम लोग ऑलरेडी फोर्टी परसेंट क्वालिफाई कर चुके हो इसमें तुमको पांच ही ब्रेकडाउन मिलेंगे सीपी वन सीएम वन सीएम टू सी एस वन सीएस टू ये पांच पेपर है ठीक है बाकी पेपर में ना अब जैसे सीएम वन है उसमें कितना डायनामिक्स है देखो एक है पेपर ए सौ नंबर का होगा वो आपको टाइप करना है एमएस वर्ड में जो इंडिया से देंगे उन लोगों को लिखना है फिर है पेपर बी जिसमें एक्सेल होगा आपको कंबाइंड स्कोर मिलेगा जिसमें आपको पास होना पड़ेगा बट अगर आप एसपी लेवल का पेपर देखोगे रिसेंट में मैंने जो पेपर क्वालिफाई किया है तो उसमें उतना कोई झंझट नहीं है एक ही एग्जाम होता है सौ नंबर का होता है एक दिन पे एग्जाम होता है तो इसलिए डिफिकल्ट क्या है इनिशियल लेवल पेपर इज वेरी डिफिकल्ट एंड आगे का मैं देखते हो टाइम क्यों लग जाता है क्योंकि जॉब के संग करना होता है सो दैट इज वाई एम की भाई मेरे को पहला आठ नौ के लिए प्रिपेयर करना है बाय द टाइम यू ग्रेजुएट ठीक है तो उस तरीके से आप प्लानिंग करोगे डे वन डिवेंस का माइंडसेट वैसे चलना चाहिए एंड हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा मत करना कि पूरा एकदम पढ़ाई में लग गए हो कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में थोड़ा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है हैविंग अ टच विथ योर सीनियर्स दोस्ट कैन हेल्प यू अगर आपका कहीं पर भी जॉब नहीं लग पा रहा है ठीक है आज जैसे मान लो कॉलेज प्लेसमेंट हुआ आपका नहीं क्रैक कर पाए आप तो दो सीनियर्स विल हेल्प यू टू रेफर योर सीवीज इन गुड कंपनीज़ जनरली और इमीडिएट स्कूल सीनियर जो लोग कर रहे हैं या फिर आप अभी लिंक पे अपना अकाउंट हम लोग पूरा आप लोग को ट्रेनिंग देंगे इस चीज का ठीक है हम लोग के वेबिनार्स जो हम लोग आपको ट्रेनिंग देंगे उस चीज का तो ये पूरा इन शॉर्ट इसके बारे में था ठीक है चलो सो सी वन अब जैसे अगर कोई मेरे को पूछता है कि सर शॉर्ट में बताइए कि हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं बहुत सिंपल है जैसे पैसा का ज्ञान है तुम लोग को पैसा मनी इनफ्लो आउटफ्लो ठीक है जैसे समझो एक केस लेते हैं आई एम ट्वेंटी फाइव आई एम ट्वेंटी फाइव ठीक है मान लो तीस साल की उम्र में मेरे को एमबीए करने जाना है आज से पांच साल बाद फाइव ईयर्स में साठ महीना होता है अब एम करने जाना है मेरे को स्टैंडफोर्ड से ठीक है वहां का खर्चा है दो करोड़ रुपया हम बैंक के पास गए या फिर एक इंश्योरेंस कंपनी या फिर जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके पास में गया हम उसको ये बोला कि मेरे को आज से ठीक पांच साल के बाद में दो करोड़ रुपया चाहिए आप बताइए कि हम हर महीना कितना जमा करें ठीक है तो बेसिकली मैं कुछ, कुछ 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 थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूं एंड जो मेरा पॉट है वो कहां पर है फ्यूचर में ठीक है आज जो सम ऑफ मनी है ठीक है मैं थोड़ा 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 करके फ्यूचर में उसको लेके जा रहा हूं इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग मैंने आज मान लो कोई सम ऑफ मनी है उसको फ्यूचर में भेजना जो सम ऑफ मनी आज है उसको फ्यूचर में भेजना है कंपाउंडिंग ठीक है तो और जो पैसा फ्यूचर में खड़ा है ठीक है आज जैसे मान लो मेरे को एक प्रोसीड आने वाला है दस साल बाद दस साल बाद पचास लाख का प्रोसीड आने वाला है ठीक है उसका आज का वैल्यू निकाल रहे हैं मतलब उसको प्रेजेंट में टान रहे हैं इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ठीक है पैसा को फ्यूचर में भेजना इस कंपाउंडिंग एंड फ्यूचर से टान के प्रेजेंट में लाना इस डिस्काउंटिंग पूरा पूरा का पूरा में सिर्फ ये दो ही चीज रहेगा पैसा को आगे लेके जाना मतलब कंपाउंडिंग एंड टान के जो पैसा फ्यूचर में खड़ा है टाइम टू बोलेगा टाइम फाइव बोलेगा टेन बोलेगा उसको टान के प्रेजेंट में लाने को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ठीक है यही दो चीज तुम लोग को सीखना है कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग ठीक है तो थर्डिंग लगाना एक्चुअल मैथमेटिक्स फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडीज टाइम वैल्यू ऑफ मनी पेपर ए में जैसे जैसे मेरे मन में बात आती जाएगा मैं बोलते जाऊंगा ठीक है पेपर ए और पेपर बी में इक्वल सिंग बनाना जरूरी है बहुत सारे स्टूडेंट लोग गंदा माइंडसेट से आते हैं बुरा मत मानना तो गंदा माइंडसेट क्या होता है वो लोग को पूछता है पहला दिन कि सर पेपर और पेपर बी में क्या प्रपोर्शन है तो हम ऐसे बोलेंगे सेवेंटी इज ए थर्टी इज बी तो वो लोग इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर्स मान लेता है हम बोलेंगे कि पांच घंटा पढ़ना है तो वो बोलेगा साढ़े तीन घंटा ये पढ़ना है डेढ़ घंटा ये कौन बोला दोनों को इक्वल पढ़ना है काम किस में करना है आगे जाके एक्सेल में करना है पेपर में थोड़ी काम करना है तो एक्सेल ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए पेपर बी अच्छा होगा तो नॉलेज अच्छा बनेगा पेपर ये तो अच्छा है ही पेपर बी को भी अच्छा करना है ऐसा मत करना जैसे क्या

आज जैसे समझना फॉर एग्जाम्पल ये जीरो है और ये फाइव है ये जो मैंने बनाया है ना इसको हम लोग टाइम बोलते हैं ठीक है दिख रहा है तुम को ऑल ओके okay? ठीक है तो ये जो मैंने बनाया है इसको हम लोग टाइम बोलते हैं अब ये टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है नीचे में इसमें हम लोग टाइम लाइन प्लॉट करेंगे मतलब टाइम्स कौन कौन सा टाइम पे क्या क्या हो रहा है एंड ऊपर में हम लोग प्लॉट करते हैं कैश फ्लो ठीक है अब जैसे मान लो मैंने आज किसी को दस हजार रुपया दिया है ठीक है तो मेरा आउटफ्लो हो गया कुछ कॉपी मत करो संग संग हम जब बोलेंगे तब कॉपी करना ठीक है मैंने आज किसी को दस हजार रुपया दिया है वो मेरे को पांच साल के बाद में तेरह हजार रुपये दे रहा है ठीक है वो मेरे को क्या दे रहा है एक्स्ट्रा तीन हजार दे रहा है कि तीन हजार क्यों दे रहा है वैल्यू ऑफ मनी एज मैंने गलत पढ़ाया था वीडियो में ठीक है सो so, ध्यान से सुनना तीन हजार वो मेरे को एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है पहला बात तो ये कि हम उसका कोई चीज यूज किए मैंने आज जैसे मान लो हम उसको अपना पैसा दिए तो वो मेरा पैसा यूज कर रहा होगा नॉर्मली जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग होता है वो लोग क्या करता है सोचो तो वो लोग बैंक से लोन लेता है ठीक है देर इज अ डिफरेंस बिटवीन गरीब आदमी एंड अमीर आदमी क्या फर्क होता है जो अमीर आदमी लोग होता है वो लोग क्या करता है पता है बैंक से लोन लेता है बैंक का लोन रेट कितना है दस परसेंट वो लोग दस परसेंट पे पैसा उधार पे लेता है मान लो पांच करोड़ रुपया उधार पे लिया उसको वो लोग धंधा में लगाता है अपना बिजनेस करता है बिजनेस से वो लोग रिटर्न जनरेट करता है 20 से धंधा में लगाया और तुम उससे रिटर्न नहीं जनरेट कर पाया पांच परसेंट का रिटर्न जनरेट किया तो तुम्हारा तो नुकसान हो गया समझा ये सब चीज हम लोग आगे जाके सीखेंगे तो अब जैसे क्योंकि सामने वाला मेरा पैसा यूज कर रहा है दूसरा बात यह है कि टाइम जीरो पे जो दस हजार का वैल्यू है बाय वैल्यू आई मीन द परचेजिंग पावर क्या टाइम फाइव पे भी वही रहेगा द आंसर इज नो आज तुम लोग भी कभी बच्चे थे तुम लोग भी कभी पुचका वगैरह खाए हो तो सोचो हर चीज में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है विद टाइम हर चीज महंगा हो रहा है आज के दिन पे अब जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्टेड अर्निंग आज से ठीक दस साल पहले मैं घर जाके पढ़ाता था क्लास टेन का मैथ्स पांच सौ रुपया ठीक है क्या अगर तुम लोग भी सोचो आज तुम लोग पढ़ाओगे तुम लोग पांच सौ चार्ज करोगे नहीं थ्री थाउजेंड इज क्लास टेन का मैथ्स हफ्ता में दो दिन दो से तीन हजार तो ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि चीजें महंगी हो रही है परचेजिंग पावर इज गोइंग डाउन परचेजिंग पावर मतलब क्या होता है आप एक रुपए से कितना सामान खरीद सकते हो ठीक है तो ये जो एक्स्ट्रा थ्री थाउजेंड है ना दिस इज टू कंपेन्से फॉर द लॉस इन वैल्यू ऑफ मनी इसका मतलब क्या है पांच साल बाद जब मेरे को वो तेरह हजार देगा मैं क्या चाहूंगा कि इससे मैं सेम बंडल ऑफ गुड्स खरीद पाऊं जो मैं टाइम जीरो पे दस हजार से खरीद सकता था ठीक है अब एक कॉन्सेप्ट समझना आज जैसे तुम लोग देखेगा मान लो टाइम जीरो पे मेरे पास दस हजार है मैं इस पैसे को कहीं लगा सकता था कंज्यूम कर सकता था लेकिन वो पैसा मैंने सामने वाले को दिया जब मैंने पैसा सामने वाले को दिया तो उसके साथ में एक रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड है कहीं वो मेरा पैसा लेके भाग ना जाए कितना जगह में ऐसा होता है आज आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में एक होता है सिक्योर्ड लेंडिंग एक होता है अनसिक्योर्ड लेंडिंग क्या होता है दोनों में फर्क अनसिक्योर्ड लेंडिंग में क्या होता है बैंक मेरे को पैसा देता है बट बदले में मेरे से कुछ गिर नहीं रखता है सिक्योर्ड में क्या होता है बैंक बोलता है हम आपको लोन देंगे लेकिन बदले में कुछ आप गिर रखिए कि अगर कल को आप पैसा नहीं चुका पाए तो हम आपका ये प्रॉपर्टी बेच के अपना पैसा रिकवर करेंगे तो बताओ किसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा किसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा अनसिक्योर्ड में क्योंकि उसमें क्या है रिस्क ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा तो रिस्क फैक्टर है पैसा के साथ में दूसरा मैंने आपको क्या बताया जो एक्स्ट्रा थ्री थाउजेंड है ये क्या है दिस इज बेसिकली द बैंक या फिर मैंने जिसको भी पैसा दिया है वो चाहता है कि मेरा जो लॉस इन वैल्यू है वो कंपेंसेट हो आज जैसे मान लो टाइम जीरो पे मैं जो दस हजार से जो बंडल ऑफ गुड्स खरीद पाता था क्या मैं टाइम फाइव पे भी अगर मेरे दस हजार रुपया ही होगा तो क्या मैं सेम बंडल ऑफ गुड्स खरीद पाऊंगा द आंसर इज नो आई आई बी बी एबल एबल टू टू लेस लेस कंज्यूम तो क्या हुआ परचेजिंग पावर गिरा है मतलब वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम माने मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा क्यों एक्स्ट्रा चाहिए होगा टू कंपेट फॉर द लॉस इन वैल्यू ऑफ मनी ठीक है दैट इज पेइंग मी समथिंग एक्स्ट्रा अब एक बात समझो ये मेरा प्रॉफिट नहीं है इंटरेस्ट को एज अ कॉस्ट कॉम्पोनेंट देखा गया क्यों आज आपने इको पढ़ा होगा इको में क्या बोलते हैं जो लैंड देता है उसको क्या मिलता है रेंट वेजेस लेबर को मिलता है ऑन्टरप्रिन को प्रॉफिट मिलता है तो जो कैपिटल लगा रहा है उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए उसको इंटरेस्ट मिलता है ठीक है अच्छा अब जैसे तुम लोग से एक क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ मनी मैंने क्या बोला वैल्यू ऑफ मनी वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम ठीक है अब एक चीज समझना वैल्यू ऑफ मनी ओवर टाइम मतलब क्या होगा अगर मान लो मेरे पास यहां पर भी दस हजार रुपया होता बेसिकली सेम अमाउंट तो क्या मैं सेम चीज खरीद पाता नहीं मैं क्या खरीद पाता ज्यादा सेम ना कम कम तो क्योंकि टाइम फाइव पे वो मेरे को पैसा लौटा रहा है ही और शी नीड्स टू पे मी समथिंग एक्स्ट्रा वाई एक्स्ट्रा टू कंपेसेट फॉर द लॉस इन वैल्यू ऑफ मनी और उसके साथ क्या रिस्क फैक्टर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. है तुमको पैसा क्यों दें कहीं और लगाएंगे हम तुमको क्यों दें समझा ना आज के दिन पे क्या होता है आज के दिन पे आप देखोगे आप बड़ा बड़ा जो एसेट मैनेजमेंट फर्म्स है जैसे एस का है आई का है आपका मिराए का है ठीक है के सब अच्छा लगेगा. है, तो ये सब क्या करते हैं है. है पढ़ाना मैं उतना करता हूँ तो क्या करता हूँ मेरे पास एक लाख रुपया को दे दिया क्या करता है वो मेरे से कमीशन चार्ज करता है और मेरा पैसा मैनेज करता है ठीक है ना तो बोलने का मतलब क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या हो गया मैं पैसा कौन से म्यूचुअल फंड को दे रहा हूं वो उसका रिटर्न पे डिपेंड करेगा

डिक्रीज़ेस ओवर टाइम ठीक है दूसरा लिखो रिस्क फैक्टर रिस्क फैक्टर तीसरा लिखना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ठीक है ओके अब जैसे हेडिंग लगाना सिंपल इंटरेस्ट इसका अदर नेम इज कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का अदर नेम इज कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है तुम पढ़ा है पहले सिंपल इंटरेस्ट हाँ तुम एडमिशन कब लिया हम लोग के पास जुलाई फर्स्ट वीक में ले लिया था क्या ऐसा कोई है जो आजकल में एडमिशन लिया है हाँ तुम हाँ तुम बताओ तुमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट टाइम ये सबको पता है सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में नहीं हिंदी में समझो कि जब खाली प्रिंसिपल पे जो मूल रकम है ठीक है ना घर में जब बात होता है हिंदी में तो तुम लोग कंट्रीब्यूट क्या करो कि नहीं इसमें देखिए मूल पे ही खाली ब्याज मिलता है ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता है ऐसे करके तब लगेगा ना कि आ, तुम कुछ पढ़ के आ रहे हैं ठीक है जैसे जब बात होगा कि कौन सा प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए कौन सा ब्याज तुम लोग वर्ड्स यूज किया करो ऐसा जब पापा मम्मी बात कर रहे होंगे घर में डिस्कशन तुम लोग भी बैठा करो वहां पर और अपना वैल्यूएबल इनपुट्स दिया करो जैसे मान लो लोन कभी लेने का बात हुआ हम अभी पढ़ा देंगे एक महीना में फिर तुम लोग बोला नहीं देखिए पापा ये वाला लोन नहीं हम लोग को ये वाला लोन लेना चाहिए सर अभी सिखाए हम लोग को ऐसे ऐसे करके देखिए पूरा शेड्यूल बना देना एक्सेल में तो फिर पापा बोलेंगे वाह ठीक है तो सिंपल इंटरेस्ट इज पीआरटी बाय हंड्रेड तो अमाउंट क्या होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ठीक है तो ये क्या हो जाएगा पी प्लस पीआरटी बाय तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है जिसमें खाली प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगता है द इंटरेस्ट अमाउंट विल रिमेन कॉन्स्टेंट एवरी ईयर मान लो हजार का चार परसेंट तो चालीस 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 क्योंकि ब्याज पे ब्याज तो कंपाउंड पे लगता है सिंपल पे नहीं लगता है ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा पी आ जाएगा बाहर वन प्लस आर टी बाय अब यहां पर हम लोग अपना नोटेशन यूज करेंगे ठीक है जैसे कि अमाउंट का मतलब क्या होता है अमाउंट का मतलब होता है accumulated value. Principal का मतलब होता है है का मतलब मतलब तो क्या मतलब क्या डेसिमल मतलब इसको बोलेंगे आई और टी को बोलेंगे N, which is number of years. तो ये मेरा फॉर्मूला पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया एवी इज इक्वल टू पी वन प्लस एन आई ठीक है ना तो एवी का मतलब क्या हो गया अक्यूमुलेटेड वैल्यू या फिर फ्यूचर वैल्यू वो पैसा जो मेरे को फ्यूचर में मिलेगा एंड सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है खाली प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है ठीक है, है. कर लो इसको कॉपी ठीक है बोलो इसका एक ट्री डायग्राम बना देते हैं हंड्रेड इज इन्वेस्टेड एट द रेट फाइव परसेंट तो कैसे ब्रांचेस निकलेंगे हंड्रेड फाइव एंड देन अगेन हंड्रेड फाइव समझा इससे ब्रांचेस नहीं निकला हर साल का ब्याज जो है वो रुपए ही है फाइव रुपीज ठीक है कॉपी कर लो इसको आगे बढ़े ठीक है चलो नेक्स्ट पुट द हेडिंग सिंपल इंटरेस्ट का अदर नेम लिखा था क्या था कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट अब लिखना कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का अदर नेम लिखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं बोलेगा तो कंपाउंड मान के सबको करना है ठीक है सिंपल या फिर कमर्शियल हमेशा मैंशनड होगा ठीक है तो यहां पर अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल वन प्लस आर बाय हंड्रेड होल्ड टू पावर टी बेसिकली इसका मतलब क्या है जो तुम्हारा टाइम है अब वो पावर में चला गया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम आज क्लास में क्यों नहीं आई हाँ ग्रुप चेक करो अभी घर जाओगी एवी इज इक्वल टू एक समझो अब जैसे मान लो तुम लोग लगाया एक रुपया एक रुपया तुम लोग लगाया पांच परसेंट पे तो एक साल बाद कितना बनेगा बोलो आराम से सोच के बोलो सब लोग बोलेगा तभी आगे बढ़ेंगे आज एक रुपया लगाया पांच परसेंट पे तो एक साल बाद कितना बनेगा 1.05 कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो अब अगला साल के लिए 1.05 का 5% परसेंट तो फैक्टर क्या बन रहा है 1.05 दोबारा तो दो साल के बाद कितना हो जाएगा 1.05 का स्क्वायर लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो क्या होता 100 का 5% परसेंट मतलब क्या पॉइंट पहला साल के लिए एंड पॉइंट दूसरा साल के लिए तो पॉइंट जीरो फाइव इंटू टू तो टोटल कितना आ रहा है 1.1 ठीक है ना हाँ सबके पास में एफ एक्स एटी टू ई एस प्लस वाला कैलकुलेटर है जो लोग नहीं लिया ले लेना ले मैं कैलकुलेटर का नाम लिख देता हूं एफ एक्स एट्टी टू ई एस प्लस और गंदा गंदा क्वेरी मत भेजना फर्स्ट एडिशन लेके सेकंड एडिशन दोनों सेम है जो मिल रहा है ले लो हां बोलो हाँ एम एस चोलवे ना नोतून एस प्लस चाहिए ठीक है मेरे को ये कैसियो कंपनी का है ठीक है सो एवी इज वॉट पी वी वन प्लस आई होल्ड टू दावर एन जब एन पावर में चला जाएगा इसका मतलब क्या है हा कंपाउंड इंटरेस्ट आर बाई हंड्रेड को मैंने आई से रिप्लेस किया है आर इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज एंड आई इज एक्सप्रेस इन डेसिमल्स इतना ही फर्क है ठीक है अब देखो इसका ट्री डायग्राम कैसा दिखेगा इसमें क्या होता है ब्याज पे ब्याज, ब्याज मिलता है जैसे हंड्रेड एट द रेट फाइव परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है तो पहला ब्रांच क्या निकलेगा हंड्रेड ऑफ फाइव फिर दूसरा क्या निकलेगा हंड्रेड ऑफ फाइव लेकिन यहां से भी निकलेगा फाइव एंड फाइव इन टू पॉइंट जीरो फाइव तो ब्याज पे ब्याज मतलब क्या कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं बोलेगा तो क्या बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है कॉपी कर लो इसको इजी इजी लग रहा है ना एकदम ठीक है ठीक है हाँ घर पे भी हम थोड़ा बहुत काम देंगे एकदम उसको भी करेगा ठीक है जैसे अभी तुम लोग का घर का काम यह है कि तुम लोग को एक्सेल का बेसिक्स क्लास देखना है ठीक है हम अभी तुम लोग को जो तुम लोग अपना मन से पेपर का क्लास रहे हैं दैट इज वेरी गुड बट जो एक्चुअल में जो घर पे काम करना है अभी वो ये कि एक्सेल का बेसिक्स विल बी हैविंग द डाउट क्लास इन दिस वीक ओनली ओके सो फर्स्ट हम को एक्सेल का बेसिक्स एकदम अच्छे से करना है एक्सेल का बेसिक्स तुम लोग करोगे घर पे, उसका एक डाउट क्लास होगा देन वी कैन मूव ऑन टू चैप्टर स्पेसिफिक लाइव क्लासेस ऑफ एक्सेल ठीक है ये वाला हुआ ठीक है ओके okay. तो अब जैसे नेक्स्ट हेडिंग लगाना जीरो कूपन बॉन्ड ध्यान से सुनना। का मतलब क्या होता है इतना परसेंट ब्याज में पैसा लिया इतना दिन के बाद लिया वो मेरे को पैसा इस तरीके से चुकाएगा वगैरह वगैरह सारा डिटेल्स एक सर्टिफिकेट में लिखा रहता है जिसको बोलते हैं बॉन्ड ठीक है आज मान लो एक कंपनी को पैसा रेस करना है वो पब्लिक में गया मेरे को बोलता है तो कोई उसको एक लाख दे रहा है कोई उसको दो लाख दे रहा है इसको बॉन्ड्स बोलते हैं उसका डिनोमिनेशन होता है कि आपको अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा को पैसा देना है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है टर्म इतना है मेचोरिटी इस टाइम पे होगा ऐसे करके पूरा डिटेल्स लिखा रहता है आज हम महिंद्रा महिंदा को पैसा दिए इसका क्या प्रूफ है और उसमें कंपनी का क्रेडिट रेटिंग भी लिखा रहता है क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है कंपनी का कितना औकात है कंपनी का पास्ट में क्या create history है create history मतलब आज जैसे लो अच्छा मान लो तुम लोग मेरे पास क्यों पढ़ने का भी पैसा देने से हम लोग बहुत सारा फंडामेंटल चेक करते हैं फंडामेंटल्स क्या होता है कि कंपनी का शीट कैसा दिख रहा है कंपनी के बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा लोन नहीं है कंपनी किस इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्री का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है कंपनी कोई गलत काम तो नहीं करेगा मेरा पैसा को लेकर आज जैसे मान लो अभी जैसे आईपीओ आया तो जोमैटो का शेयर अभी अभी तो मतलब को बेवकूफ नहीं बना सकते लॉस मेकिंग कंपनी को लिस्ट करवा दिया आज के दिन पे अगर तुम आईपीओ लाते हो आईपीओ का इज इनिशियल पब्लिक ऑफर तो अगर तुम अपना आईपीओ लाता है तो उसमें तुमको बेसिकली प्रोस्पेक्टिस एक डॉक्यूमेंट होता है ठीक है तो उसमें तुमको सारा डिटेल्स लिखना पड़ता है कि तुम ये पैसा क्यों रेस कर रहे हो पब्लिक से समझा बात को आज जैसे मान लो हम तुमसे पैसा मांग रहे हैं कि आप मेरा कंपनी में पैसा लगाइए तो तुमको बेसिकली स्पेसिफाई करना पड़ेगा रीजन कि भाई ये पैसा हम काम में देंगे मेरा इतना का लोन है हमको वो लोन चुकाना है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो लोग बोलते हैं कंपनी से वो को कंपनी से एग्जिट रूट चाहिए तो वो लोग को पैसा देंगे हम ये एक्सपेंशन करेंगे हम ये करेंगे तो वो चीज तुमको पूरा डिटेल्स मेंशन करना पड़ेगा दैट इज प्रोस्पेक्टस और उसको देख के लोग पैसा लगाते हैं कंपनी के नाम पर पैसा थोड़ी लगाते हैं उसको देखते हैं कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है कंपनी का क्या फंडामेंटल है ठीक है तो बॉन्ड एक से ऐसा सर्टिफिकेट है जिसमें तुम्हारा लोन का सारा डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा इज कूपन देखो कूपन मतलब क्या होता है रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट जो हम लोग रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं आज जैसे मान लो एक तुम लोग को कूपन पेइंग बॉन्ड का एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं जैसे जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव मैंने यहां पर हजार रूपया दिया मान लो आई को ठीक है आठ परसेंट का ब्याज का रेट है ठीक है तो यहां पर मेरे को कितना मिलेगा एट्टी यहां पर एट्टी यहां पर एट्टी यहां पर एट्टी अब मान लो रिडेमशन रिडेमशन मतलब पैसा वापस मिलना रिडेम्पन एट पार है पार मतलब क्या फेस वैल्यू पार मतलब क्या फेस वैल्यू रिडेम्शन एट पार है मतलब प्लस हजार अस्सी क्यों हजार तो जो दिए वो और अस्सी ब्याज का ठीक है इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि पांच साल के लिए आईटीसी टीसी में से पैसा लिया ठीक है ना कितना रुपए लिया हजार रुपए लिया ब्याज का रेट कितना एट परसेंट एंड कूपन पेइंग टेन मतलब व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एनुअल हर साल कूपन मिल रहे ना तो एनुअल अगर सेमी एनुअल होता तो क्या करते पॉइंट फाइव वन वन पॉइंट फाइव टू सब में चालीस 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 कर देते समझा बात को मैं क्या बोला ठीक है तो ये कूपन पेइंग बॉन्ड का स्ट्रक्चर हुआ मतलब रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट पहले क्या होता था वो जो सर्टिफिकेट होता था उसी के नीचे कूपन लगा होता था तुम लो, तुम लोग 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 तो कोविड 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 पोस्ट में में आया है प्री में जो डोमिनोज जाते थे ठीक है हम लोग के बस थोड़ी इतना कैफे चीनो मोका चीनो लाते पीने का बस डोमिनोज जाता था ठीक है तो डोमिनोज में जब तुम जाएगा ना तो पहले पिज्जा में ऐसा एक तो पेम्पलेट लगा होता था वो पैम्पलेट के नीचे साइड में कूपन रहता था जैसे तुम उसका गया स्टोर में तो पिज्जा के ऊपर डब्बा में चिपका के एक तो ट देता पैम्पलेट का साइड में कूपन यूज करेंगे तो ऑफ तो तो वो कूपन बोलते हैं उसको ठीक है तो वैसे ही क्या होता था तुम्हारा जो बॉन्ड का सर्टिफिकेट है उसके नीचे में कूपन लगा होता था पांच साल का बॉन्ड है पांच बार ब्याज मिलेगा तो पांच सौ कूपन लगा दिया ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फोर ईयर फाइव तुम पहला साल खत्म हो गया कूपन फड़ा कंपनी को जाकर दिया कंपनी तुमको तुम्हारा पैसा दे दिया अभी तो सब क्या होता है ऑटोमेटिक होता है तुम्हारा बैंक अकाउंट लिंक हो जाता है तुम्हारा ऑटोमेटिक उसमें पैसा आते जाता है ठीक है तो वो लेगेसी से वो टर्म चलते आ रहा है कूपन 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 और जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है एक ऐसा बॉन्ड एक ऐसा लोन अग्रीमेंट जिसमें कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है रेगुलर ठीक है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो उसका स्ट्रक्चर होगा जीरो मान लो चार साल का है तुम यहां पर सत्तर दे दो कंपनी तुमको सौ दे देगा चार साल बाद समझा तो कंपनी तुमको प्लस थर्टी दे रहा है ये ब्याज की तरह समझ लो बट एक बार में देगा पे क्यों ये कब काम आएगा जब कंपनी को रेगुलर बेसिस में अपना आउटगो को कम करना है कंपनी 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 अभी अभी एक्सपेंशन फेज में है है खर्चा बचाना चाहता है। का जो बेसिकली गेस्टेशन पीरियड होता है बिजनेस में समझ लो कि एक तो वेटिंग पीरियड होता है जिसके बाद तुम्हारा कैश फ्लो अच्छा से आना चालू होता है वो कंपनी बोलता है कि दो से तीन साल है ताकि कंपनी चार साल बोल के लिया है पैसा कि एक बार में तुमको देंगे पैसा नहीं तो इस अगर ऊपर वाले से देखें तो जो रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट है तो कंपनी को तो खर्चा बन जाएगा ना कंपनी का कि कंपनी को हर साल इतना ही है लेकिन जीरो ले रहा है वो भी खुश, उसको रेगुलर ब्याज का पेमेंट नहीं करना है कंपनी वो पैसा रख सकता है उसको यूज कर सकता है फिर एक बार में ब्याज के साथ जोड़ के पैसा दे देगा चार साल बाद पांच साल बाद दस सौ जैसे भी ठीक है तो जीरो बॉन्ड का नेचर क्या होता है सब डिस्काउंट पे इशू होता है जो फे, जो सर्टिफिकेट रहेगा ना जीरो कूपन बॉन्ड लिखा रहेगा कि आज से ठीक चार साल के बाद में जिसके पास में भी ये कूपन रहेगा या फिर ये सर्टिफिकेट रहेगा उसको हम लोग सौ रुपए और ये सर्टिफिकेट आज कंपनी कितना में बांट रहा सत्तर रुपया में समझ गया तो सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है कि जो इस बॉन्ड पे होल्डर होगा चार साल के बाद में आके मेरे से सौ रुपया ले जाना लेकिन आज ये कंपनी कितना में दे रहा है डिस्काउंट में दे रहा है डिस्काउंट पे दे रहा है इसका फेस वैल्यू कितना है सौ फेस वैल्यू मतलब जो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है फेस वैल्यू वो जो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है ठीक है तो सर्टिफिकेट पे सौ लिखा हुआ है मतलब फेस वैल्यू आज जो सौ रुपए का नोट होता है उसका फेस वैल्यू कितना है हंड्रेड बट क्या उसका एक्चुअल वैल्यू वो है द आंसर इज नो ठीक है पहले क्या होता था हमारे जमाने की बात है तो उस समय क्या होता था कि जो सिक्का होता था बहुत भारी होता था ठीक है मान लो पांच रुपए का सिक्का है तो गवर्नमेंट ने क्या देखा कि पांच रुपए का सिक्का मार्केट से गायब हो रहा है उसका रीजन क्या था वो पांच रुपए का सिक्का का जो इंट्रेंसिक वैल्यू था वो उससे ज्यादा था वट इज इंट्रेंसिक वैल्यू द एक्चुअल वैल्यू एक होता है फेस वैल्यू पांच रुपए आज तुमको लॉजेंस खाना है तो दुकान में गया दिया दिया तुमको पांच दे दिया एक का लेकिन होशियार लोग क्या किया उसको स्मगल किया बांग्लादेश लाइक द नेबर कंट्रीज एंड दे उसको उसको स्मेल्टिंग किया जाता था स्मेल्टिंग करके उसका जो मेटल था उसको पिघला के उससे ब्लेड बनता था एंड इसे चार पांच ब्लेड बनता था तो उसका एक्चुअल वैल्यू हुआ सम वट एट टू नाइन रुपीज चार प्लेट को बेचेंगे तो आठ से नौ रुपए आएगा दिस इज वट हैपनिंग एंड ऑल द कॉइन्स वेयर बेसिकली डिसअपियरिंग फ्रॉम द मार्केट इसलिए देखो हल्का वाला कॉइन निकाला है समझा अब हल्का वाला कॉइन का इंट्रेंसिक वैल्यू अगर तुमको इंट्रेंसिक वैल्यू जो है ना उसका दैट इज लेस देन द फेस वैल्यू समझा तो ये चीज है <coughs> तो लिखो जीरो बॉन्ड के लिए लिखो दीज बॉन्ड्स डीज बॉन्ड्स These bonds are issued at a discount. These bonds are issued at a discount and redeemed at par. These bonds are issued at a discount and redeemed at par. There is no regular interest payment. नेक्स्ट पुट द हेडिंग सिंपल डिस्काउंट इसका अदर नेम लिख देना कमर्शियल रेट ऑफ डिस्काउंट ठीक है इसका जो फॉर्मूला है वो है एवी इज इक्वल टू पी वी सॉरी एक मिनट सॉरी 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 एक मिनट पी वी इज इक्वल टू एवी वन माइनस एनडी में तो देखो PV बड़ा होगा कि AV बड़ा होगा पहले ये सोचो आराम से और फिर बोलो हां क्या बड़ा होगा AV बड़ा होगा तो AV से कुछ माइनस करेंगे तब पी आएगा ठीक है देखो वही किए वहां पर क्या था वन प्लस एनआई यहां पर क्या वन माइनस ND इज वॉट PV अब मेरे को क्या करना है फ्यूचर में जो पैसा है उसको टान के मेरे को प्रेजेंट में लेके आना है ठीक है ओके कॉपी एक मिनट इसके बाद में हेडिंग लगाना कंपाउंड डिस्काउंट सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल डिस्काउंट कंपाउंड डिस्काउंट इसका अदर नेम इज इफेक्टिव रेट ऑफ डिस्काउंट सो व्हाट इज अदर नेम फॉर द वर्ड कंपाउंड इफेक्टिव, एंड वट इज अदर नेम फॉर वर्ड सिंपल कमर्शियल ओके सिंपल डिस्काउंट में क्या है पीवी इज इक्वल टू वट एवी वन माइनस कंपाउंड डिस्काउंट में क्या है कंपाउंड डिस्काउंट में क्या है पीवी इज वॉट एवी वन माइनस डी होल टू दी पावर एन जब एन तुम्हारा पावर में चला जाएगा मतलब क्या हो जाएगा कंपाउंड ठीक है कॉपी करो इन दोनों को अच्छे से यहां तक किसी को कोई भी क्वेरी है तो प्लीज पूछो डिफॉल्ट yes. मतलब तो कंपनी, तो तो कंपनी का क्रेडिट रेटिंग रे खराब हो जाएगा अगर कंपनी पे नहीं कर पाएगा तो कंपनी को आगे से कभी लोन नहीं मिलेगा केस हो जाएगा कंपनी पे और क्या ठीक है कॉपी किया ये ला हम्म हेडिंग लगाना अक्यूमुलेशन फैक्टर इसका शॉर्ट फॉर्म है एएफ एफ इसको हिंदी में लिखो पैसा कितना गुना हो गया एच मत लिख देना वो गुना हो जाएगा पैसा कितना गुना हो गया मतलब हाउ मेनी टाइम्स माई फंड हैज ग्रोन पैसा कितना गुना हो गया जैसे मान लो तुम सौ रुपया लगाया ठीक है वो पांच सौ हो गया तुम्हारा पंद्रह साल बाद ठीक है तो कितना गुना हो गया पैसा पांच गुना हो गया आज कितना लगाया ठीक है पांच साल बाद आई मीन पंद्रह साल बाद कितना मिला तो पी को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ए मिलेगा से मल्टीप्लाई करेंगे अक्यूमुलेशन फैक्टर से समझा मान लो पंद्रह साल बाद मेरा पांच सौ हुआ तो इसका एक नोटेशन होना चाहिए इसका नोटेशन क्या है टू टू का मतलब क्या दिस इज दूमुलेन फैक्टर फ्रॉम टाइम जीरो ऐसा साधन जिससे पैसा को टाइम जीरो से टाइम फिफ्टीन पे लेके जा रहे हैं ठीक है देख लो इसको यहां से मैं क्या बोल सकता हूं यहां से मैं क्या बोल सकता हूं मैं बोल सकता हूं देट पीवी इंटू ए एफ इज वॉट एवी प्रेजेंट वैल्यू इंटू अक्यूमुलेशन फैक्टर इज वॉट अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू कोई भी दिक्कत पीवी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एवी मिलेगा अक्यूमुलेन फैक्टर और अक्यूमुलेशन फैक्टर का एक नोटेशन है नोटेशन क्या है ए जीरो टू एन लिख लो मैं तुम लोग को लिखवा देता हूं ठीक है ए जीरो टू एन कैपिटल ए लिखो अक्यूमुलेशन फैक्टर फ्रॉम टाइम जीरो देख लो बोर्ड पे टू टाइम एन क्लियर ऑल ऑफ यू ठीक है नेक्स्ट पुट द हेडिंग डिस्काउंटिंग फैक्टर जैसे वहां पर किए ना प्रेजेंट वैल्यू को ए एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवी मिलेगा एवी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो पीवी मिलेगा डिस्काउंटिंग फैक्टर से कॉपी करो उसको इसका नोटेशन होता है वी जीरो टू एन स्मॉल वी है ठीक है लिख देना देखो लिखते जीरो टू एन है बट पैसा को कहां से कहां ला रहे हैं एन से जीरो पे ला रहे हैं ठीक है ठीके? तो वो इसका मतलब क्या है डिस्काउंटिंग फैक्टर फ्रॉम टाइम एन टू तो टाइम जीरो तो दो गोल्डन रूल पीवी इंटू ए एफ इज एवी एंड एवी इंटू डी एफ इज पी अब यहां से हम लोग एक रिलेशनशिप निकालेंगे ठीक है तो ध्यान से देखना वहां पर पीवी क्या था पिछले वाले में पीवी क्या था चेक करो अरे पीवी क्या था यहां पर एवी बाय एफ एवी बाय एफ होगा ना तो एवी बाय एफ एवी एवी कट तो क्या बचेगा डीएफ एफ इज वॉट वन बाय एफ तो इसका मतलब क्या इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वॉट डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड अक्यूमुलेशन फैक्टर डीएफ इज वन बाई ए एफ एंड एफ इज वन बाई वी एफ इन टू एफ वन ठीक है पैसा को पांच साल आगे लेके गया पांच साल टाल लिया तो सेम तो वन ही तो हो गया ना ठीक है यहां तक क्लियर सब कॉपी किया ठीक है कोई मैट लाए आके दो एक दो, दो सम करेंगे यहां तक किया ना कॉपी ठीक है अच्छा अब लिखना समरी समरी में तीन कॉलम बनेगा ठीक है पहला वाला में आ जाएगा टाइप यहां पर आ जाएगा ए एफ और यहां पर आ जाएगा डी एफ ठीक है तो समरी में सबसे पहले आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट एक चीज ध्यान में रखना ए एफ मतलब क्या होता है पीवी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एवी मिलेगा ठीक है आ जाओ पीवी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलो पीवी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एवी मिलेगा वन प्लस एनआई वन प्लस एन आई मेरा क्या हो जाएगा अक्यूमुलेशन फैक्टर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या बोल सकते हैं वन प्लस आई टू पावर एन अब एक मिनट रुको अभी जस्ट मैंने पढ़ाया डी एफ इज वॉट वन बाई ए एफ तो यहां पर क्या जाएगा? One plus ni to the power? आ जाएगा वन प्लस एन आई टू दी पावर यहां पर क्या जाएगा? One plus I to the power? आ जाएगा वन प्लस आई टू दी पावर एक्सीलेंट यार ठीक है अब जैसे यहां पर आ जाएगा तुम्हारा सिंपल डिस्काउंट तो सिंपल डिस्काउंट में सिंपल डिस्काउंट में क्या था पीवी इज इक्वल टू वॉट एवी इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर एवी इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर इज वॉट प्रेजेंट वैल्यू तो डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या था देखो कॉपी में बताओ वन माइनस तो यहां पर क्या आ जाएगा वन माइनस एनडी टू दावर माइनस वन एंड लास्ट में क्या था कंपाउंड डिस्काउंट यहां पर क्या आ जाएगा वन माइनस डी टू दी पावर और यहां पर वन माइनस जी टू दी पावर इज इट क्लियर ओके इसके नीचे एक दो दो स्पेस छोड़ देना ठीक है पहले इसको देख लो और दो मिनट फटाफट रिवीजन कर लो दो मिनट टाइम दे रहे फिर सम्स करेंगे आज जो हम लोग पढ़े हैं उसका नाम है चैप्टर नंबर फोर अब गंदा गंदा क्वेश्चन मत पूछना सर वन टू थ्री नहीं पढ़ाते आपके यहां पर बाद में ठीक है नहीं ये चैप्टर नंबर थ्री है ठीक है क्योंकि एक एक चैप्टर हट गया सिलेबस से दिस ज चैप्टर नंबर थ्री यस इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब उसका एक्चुअल में वैल्यू कितना है

एज फार एज आई नो स्पेशल प्रिंटिंग पेपर होता है एक तो तो ये चीज पता है कागज से नहीं बनता है वो मतलब उसको आप लोग कितना बार फोल्ड करते हो नोट को लेकिन कभी देखते हो उसमें वो नहीं होता है अगर पेपर होगा तो फट जाएगा ना इट्स स्पेशल थिंग दैट द गवर्नमेंट इज जिससे बनता है वो चीज ठीक है डन ये हो गया चलो मैं आप लोगों को रेफरेंस भी दे दूंगा ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो ज फिफ्टीन चैप्टर में सम लिखवा दूंगा नहीं चाहिए ठीक है चैप्टर थ्री और कोई डिफरेंस नहीं है लाइक सम ऑफ यू माइट है खाली एक छोटा सा चेंज है उसमें एक चैप्टर था जो इसमें नहीं है दैट्स दी चेंज ओके बी एस अबाउट दैट सो चैप्टर थ्री टाइम वैल्यू ऑफ मनी So, उसमें क्या था ना एक चैप्टर हट गया तो बेसिकली चैप्टर फोर बिकम्स चैप्टर नंबर थ्री दिस इज दी ओनली थिंग चैप्टर थ्री का पेज फिफ्टीन में है अब जैसे मान लो प्रेजेंट वैल्यू दे दिया है तुम लोग को वन थाउजेंड एन दे दिया है तुम लोग को फाइव ठीक है तुम लोग को एवी निकालना है ठीक है एवी तुम लोग को निकालना है पहला तुम लोग को दिया है सिंपल डिस्काउंट एट परसेंट का दूसरा दिया है कंपाउंड डिस्काउंट एट परसेंट का और तीसरा दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट एट परसेंट का ठीक है चलिए तो सबसे पहले हम लोग को भी निकालना है तो फोकस क्या रहना चाहिए भी निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू इंटू अक्यूमुलेशन फैक्टर और पता है अगर तुम लोग को वो समरी वाले पार्ट से नहीं भी करना है तो भी हो जाएगा कैसे मैं तुम लोग बताता हूं सिंपल डिस्काउंट को हमने क्या इक्वेशन बनाया बताओ बोलो पीवी इज इक्वल टू एवी वन माइनस एन डी तुमको डी पता है बैलेंसिंग फिगर की तरह क्या निकल जाएगा एवी निकाल लो ठीक है या फिर और एक मेथड क्या है तुम लोग को पता है पीवी इंटू ए एफ तो सिंपल डिस्काउंट में जाओ उसका एफ देखो और करके आंसर लिख दो और वो कैसे आ रहा है वो भी देख लो ये वाला जो पार्ट है अगर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा टू दी पावर माइनस वन अभी ये क्या है अभी ये डिस्काउंटिंग फैक्टर बना हुआ है इधर जाएगा तो वन बाय हो जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा अक्यूमुलेशन फैक्टर इतना तो समझ इतनी लोग आंसर निकालो फटाफट और एक चीज बता देते हैं कितना डेसिमल प्लेस तक करना है करेंटली आप लोग को आ, जब तक इक्वेशन ऑफ वैल्यू नहीं आता है तब तक आप लोग को पांच से छह डेसिमल प्लेस में आंसर लिखना है ठीक है किसमें हाँ मैंने बोला ना एफ एक्स एटी प्लस मैं ग्रुप में भेज दूंगा आज हाउ टू यूज द कैलकुलेटर का वीडियोस ठीक है देख लीजिएगा बहुत काम का है बोलो क्या क्लास के बाद क्यों अच्छा ठीक है आप जाओ ये वाला वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा कितना कितना आ रहा है पहले वाले का कितना आ रहा है हाँ वन सिक्स 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 पॉइंट सिक्स सेवन आ रहा है क्या पहले वाले का दूसरे वाले का वन फाइव वन सेवन पॉइंट टू सिक्स और तीसरे वाले का वन फोर सिक्स नाइन पॉइंट थ्री थ्री अब इसका ही सेकेंड पार्ट है ये तीन हो गया क्या इसका आप सेकेंड पार्ट करो एवी दे दिया है हम लोग को टू थाउजेंड और ये जो एवी है ये टाइम फोर का है हम लोग को पीवी निकालना है सबसे पहला दिया है हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट थ्री परसेंट पर एनम दूसरा दिया है सिंपल डिस्काउंट एट द रेट थ्री परसेंट पर एनम और एंड तीसरा दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट थ्री परसेंट पर एनम ठीक है इन तीनों को करिए पहला वाला आंसर क्या आ रहा है 1785 सेवन पॉइंट सेवन वन दूसरा वाला आ रहा है वन सेवन सिक्स जीरो तीसरा वाला आ रहा है वन सेवन सेवन सिक्स पॉइंट नाइन सेवन ठीक है हम्म देख लो एक बार इसको करो और यहाँ तक रिवीजन करो डन ठीक है ओके नाउ नेक्स्ट पुट द हेडिंग इसका कुछ हेडिंग नहीं है वैसे तो एक चीज देखो पहले हम लोगों ने <coughs> एक मिनट ओके okay. तो हम लोगों ने सिंपल डिस्काउंट और कंपाउंड डिस्काउंट पड़ा राइट right? तो दोनों में ही अगर हम एन के जगह में वन डालेंगे तो क्या आएगा देखो तो यस ओ वेट अब हाँ अब आ रहा है साउंड आ रहा है सॉरी ठीक है अब वो फूल से हो गया होगा ओके okay. सो so, देखो वन माइनस डी है और एक का है वन माइनस डी टू द पावर एन एन के जगह में वन डालिए वन माइनस डी और ये क्या है वेरी गुड दिस इज डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर वन ईयर और एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर का नोटेशन है v ठीक है एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर का नोटेशन है v तो v इज इक्वल टू वॉर्ड वन माइनस डी ठीक है पहले तो इसको कॉपी कर लो वन ईयर डिस्काउंटिंग फैक्टर इज वी एक बात बताना टू ईयर डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा थ्री ईयर ठीक है हम लोग कंपाउंड का ही बात करेंगे ठीक है तो हो गया ना ये? अब एक चीज समझना वन ईयर डिस्काउंटिंग फैक्टर इज वी डिस्काउंटिंग फैक्टर इज वन बाय अक्यूमुलेशन फैक्टर एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या होगा वन प्लस आई तो ये भी सही है इसका मतलब कॉपी करो इसको ठीक है ना हा एक और चीज देख लो इसका मतलब अब अगर ये सही है तो वन बाय वन प्लस आई इज वॉट वन माइनस डी है कि नहीं हां कि ना तो यहां से डी का वैल्यू निकालो डी इज वॉट वन माइनस वन बाय वन प्लस आई विच इज वॉट आई बाय तीन चीज तुम लोग को अभी फिर हम बताया क्या क्या बताया बोलो सबसे पहले वी इज वॉट एक साल का डिस्काउंटिंग दूसरा है V क्या है एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या डी इज वॉट आई बाई वन प्लस आई ठीक है नेक्स्ट पुट प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी ठीक है ध्यान से सुनो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है ये 0 है, ये 4 है, ये 9 है, ये है 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 और ये फिफ्टीन है मैंने यहां पर सौ रुपया लगाया ये यहां पर दो सौ हो गया यहां पर ढाई सौ हो गया यहां पर साढ़े तीन सौ हो गया और यहां पर <coughs> चार सौ हो गया ठीक है अब अगर हम लोग देखें तो यहां से यहां यहां से यहां यहां से यहां और यहां से ठीक यहां। है? और एक ये टोटल, तो ध्यान से देखना टोटल में मेरा पैसा कितना गुना हो गया सौ का चार सौ तो फोर टाइम्स है कि नहीं यहां से यहां मेरा पैसा कितना गुना हो गया टू टाइम्स यहां से यहां निकालना पड़ेगा कैसे निकालेंगे 250 फिफ्टी बाय टू ठीक है फिर यहां से यहां कैसे निकालेंगे 350 फिफ्टी बाय टू एंड यहां से यहां कैसे निकालेंगे 400 हंड्रेड बाय थ्री मेरा पैसा कितना गुना हो गया अब जैसे मेरा पैसा कितना गुना हो गया इज वॉट अक्यूमुलेशन फैक्टर तो मैं क्या बोल सकता हूं एरो टू फिफ्टी इज वॉट फोर ए जीरो टू फोर इज वॉट टू टू ए फोर टू नाइन इज वॉट टू फिफ्टी बाय टू हंड्रेड ए नाइन टू ट्वेल्व इज वॉट थ्री फिफ्टी बाय ठीक है उसके बाद में ए ट्वेल्व टू फिफ्टीन इज वॉट वॉट डू यू थिंक इफ आई मल्टीप्लाई ए जीरो टू फोर इन टू ए फोर टू नाइन इंटू ए नाइन टू ट्वेल्व इंटू ए ट्वेल्व टू फिफ्टीन इज इक्वल टू व्हाट विल आई गेट फोर फोर बिकॉज थ्री फिफ्टी थ्री फिफ्टी कट टू फिफ्टी टू फिफ्टी कट राइट सो वॉट विल आई गेट बोलो चेक कर लो कितना आ रहा है this is also what 200 by 100 so ultimately what i am going to get is 400 by 100 which is what 4 and this is what a 0 to 15 so accumulation factors in between can be multiplied this is principle of consistency copy dekh lena principle of consistency of copy karo. ग्रुप कौन देखेगा ठीक hmm. है डन ठीक है दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी ठीक है अब uh, मैं आप लोग को डेली बेसिस में होमवर्क देते रहूंगा तो अभी जैसे आप लोग को क्या करना है अभी जैसे आप लोग का टास्क क्या है ठीक है मैं आप लोग टास्क लिख देता हूं एक बार तो टास्क में सबसे पहले आपका क्या आ रहा है एक्सेल बेसिक्स वीडियोस ठीक है वीडियोस रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत हो तो कुछ भी ना समझ में आए तो बोल देना चले वाले नहीं लैपटॉप वेपटॉप में तो ठीक है उसके बाद में आपको कैलकुलेटर का वीडियोज भेजूंगा हाउ टू बेसिकली ऑपरेट द कैलकुलेटर छोटा छोटा दो मिनट तीन मिनट पांच मिनट का क्लिप होगा ठीक है कैलकुलेटर ले भी लेना और जो पढ़ाया है उसको रिविजन करके आना ठीक है और ऑगस्ट वाला बैच जो है ठीक है इसका कंप्लीशन डेट विल बी अक्टूबर एंड ठीक है तो जैसे जैसे बोलूंगा बस वैसे उसको फॉलो करना है और आगे का क्लास मत देखना बेसिक्स मैंने सबको बोला था कि इक्वेशन ऑफ वैल्यू के आगे मत बढ़ना उसके पहले पहले ही घूमते रहो अच्छे से उसको स्टडी करो उसके आगे जो भी है सब क्लास में आके ही करना है ठीक है थैंक यू नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा ठीक है